अरे यार, एक मिनट, ये कौन है अब? अरे भाई, क्या हो रहा है? मेरे साथ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? भागो यहाँ से। रे 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 कार है, बाप रे यार, ये तो आयरन मैन का आर्मर है। मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है? पर मैंने इसका क्या बिगाड़ा दोस्तों? नहीं, अरे बाप रे। गाइज, मुझे थोड़ी सी पावर दो जल्दी से, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, नहीं तो ये तो मुझे मार देगा। भागना पड़ेगा यहाँ से। बैंड बज गई, ये तो मुझे मार क्यों रहा है ये ज़ॉम्बी आयरन मैन? हाँ, तू मरेगा। मैं हूँ ज़ॉम्बी आयरन मैन और आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। या तो तू हमारी टीम में ज्वाइन होगा, नहीं तो तू जान से मरेगा। अरे यार, कोई तो बुलाओ एवेंजर्स को, ऐसे तो ये मुझे मार देगा। नहीं यार, बहुत बुरा हाल कर दिया इसने तो मेरा। क्या सिंचन ने फिर से कुछ गड़बड़ की? एक मिनट, मैं तो स्टार्क मैंसन के आसपास ही हूँ। आयरन मैन बता मुझे, अबे तेरी तो यार, ये तो इसका सूट ही है और मुझे ही मार रहा है ये। आयरन मैन कहाँ पर है? अरे बाप रे, ये मेरी सुन क्यों नहीं रहा है? इसके स्टार्क मैंसन के सामने इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है और कोई है ही नहीं मेरी मदद करने के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ फ्रैंकलिन। अब मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। जल्दी से मुझे भी कोई सूट दो, नहीं तो ये मुझे मार देगा। और ठीक है, काम करो, फिलहाल मेरे पास मार्क वन है, तुम उसको पहन लो। ठीक है, मैं समझ गया। जल्दी से मार्क वन पहनाओ मुझे। चौबीस, जल्दी, क्या कर रहे हो चौबीस? जल्दी से इसको मार्क वन पहनाओ। हल्क, तुम भी इसका ध्यान रखो। हाँ, हल्क आ चुका है, तो चिंता मत कर, मैं बचा लूंगा। एक तो यार ये मेरा बॉस कॉल करता रहता है ऊपर से, ये बाप रे ज़ॉम्बी आयरन मैन मुझे मार देगा। जल्दी इसको मारो, कोई मुझे कोई सूट दे दो प्लीज। हाँ, वो आ ही रहा है बस सूट, तुम चिंता मत करो। अरे यार, ये कहाँ से कॉल आ रही है इतनी? अरे बाप रे आयरन मैन, ये सूट मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? पहले तो ये बताओ मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? हाँ, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल हम तुम्हें सेफ्टी दे रहे हैं, तुम जो जाओ बच जाओगे, मैं देखता हूँ क्या होता है। अरे वाह यार, काफ़ी सूट अच्छा लग रहा है तुम पर फ्रैंकलिन। हाँ ठीक है, अच्छा तो लग ही रहा है। अब मैं बताता हूँ तेरी तो, कहाँ पर गया तू? अरे यार, कहाँ पर गया ये रात एक तो ज़ॉम्बी आयरन मैन? अरे यार, तुम सबके सब मुझे अकेले से लड़ रहे हो, धोखेबाजो। हल्क सबको मार देगा, हल्क सबको ख़त्म कर देगा। अरे यार, हट आयरन मैन सामने से, इसकी तो मैं बैंड बजाऊंगा। यार इतनी सूट मुझसे उड़ भी नहीं रहा ठीक से, कहाँ पर गया ये रहा? नीचे ही होगा। एक मिनट, कहाँ गया ये रहा? तेरी तो बेटा, अब बताता हूँ ये खा। हाँ, मैंने तो उसकी बैंड बजा दी। अरे यार, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं फ्रैंकलिन, ये धोखा है मेरे साथ। तुम सबके सब मिलकर मुझे अकेले पर अटैक कर रहे हो, और क्या? तुझे क्या तरह बेवकूफ़ दिख रहे हैं कि हम वन वी वन करेंगे? हाँ ठीक है, इसको शायद हरा ही दिया हमने। अरे बाप रे, अगर मेरे पास अभी सूट नहीं होता तो ये मुझे आज मार ही देता दोस्तों। बड़ी मुश्किल से बचाऊँ मैं। अरे यार, हट साल हल्क सामने से, इसको मैं अकेला संभालूंगा। हल्क मारेगा, हल्क सबकी बैंड बजा देगा। हाँ, तो सबकी बैंड बजाता रहे बस यार, तुझ पर और कुछ काम भी है? एक मिनट, कहाँ पर गया ये तेरी तो ज़ॉम्बी आयरन मैन? ये खा। हाँ ठीक है, शायद वो हार गया है दोस्तों। हाँ, अरे बच गए यार। हाँ, हमने उसकी बैंड बजा दी। ये कौन है यार तेरी तो? ये ले तेरे साले। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। एक मिनट, ये आयरन मैन कहाँ पर है? मुझे इससे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, चलो ऊपर चलते हैं। ये ले तेरी तो, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने ही मुझ पर अटैक करवाया ना। अरे तुम पागल हो गया क्या? मैंने तुम पर कोई अटैक नहीं करवाया। आयरन मैन को तुम ऐसे बुरी तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते, समझे? मैं तुम्हें मार दूंगा फ्रैंकलिन, अब बस करो। हाँ ठीक है, थोड़ी सी मस्ती तो कर ली थी मैंने, अब मेरी बात सुनो। असल में मुझे भी पता नहीं था ये किसने अटैक किया है। असल में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, अब तुम शांति से मेरी बात सुनोगे? ठीक है, मैं समझ गया। अरे यार, ये फायर ब्रिगेड वाले और आ जाते हैं। अरे चलो भागो यहाँ से, बड़े आए यहाँ पे आग बुझाने वाले। हाँ हाँ, तो मेरी बात सुनो फ्रैंकलिन, असल में हमें तुम्हारी मदद चाहिए, और शायद ज़ॉम्बी आयरन मैन को बात पता चल गई थी, इसलिए वो तुम पर अटैक करने आया है। शायद सिंचैन पर भी अटैक हो सकता है, इसलिए सिंचैन को हो सके जितना जल्दी तुम बुला लो। अरे यार, सिंचैन के पास तो कोई फ़ोन ही नहीं है, तो कहाँ से बुलाएंगे? हाँ ठीक है, चलो हम उसको ढूंढ लेंगे, लेकिन फिलहाल मेरी बात सुनो। अब से 3 दिन पहले मैं और ब्रूस बैनर, मतलब अपना हल्क, हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस एक्सपेरिमेंट की गड़बड़ की वजह से, या मुझे तो नहीं लगता वो हमारी कोई गलती थी, शायद किसी दूसरे ने कोई हरकत की है, जिसकी वजह से ये मेरे जितने भी सूट्स हैं इनके खुद के ब्रेन्स हो गए हैं, ये खुद एआई हो गए हैं, और ये अपने दिमाग पे काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम इंसानों को जान से मार दें, और साथ ही साथ में धरती को एक तरह से नया जन्म दें, जहाँ पर सिर्फ मशीनों का राज हो। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? अरे नहीं, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है यार, तो हम कैसे बचाएंगे? हाँ वैसे तो अभी ज़्यादा लोग ईविल नहीं बने हैं, मतलब मेरा हल्क बस्टर, कुछ मेरे हल्क बस्टर्स हैं जो ईविल बन चुके हैं, और मेरे कुछ नॉर्मल सूट्स हैं, हमें बस उनको हराना होगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम कैसे करके सिंचैन को ढूंढ लो, हम उसके बाद बाकी बातें करेंगे। ठीक है, मैं सिंचैन को ढूंढने निकलता हूँ। हल्क, काम करो, तुम मुझे से स्टॉक मेंशन पे मिलो, और आयरन मैन तुम भी, मैं यहाँ से निकलता हूँ सीधा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वाह यार, गर्मियों की छुट्टी का तो मजा ही कुछ और है। चारों तरफ घूमो, स्कूल जाने की भी कोई चिंता नहीं। वैसे सही बताऊँ तो अभी ठंड चल रही है, मुझे गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने शोर बोल रहा हूँ कि ठंडी ठंडी नहीं, गर्मी हो रही है। चलो यहाँ पर क्यों ना थोड़ी बहुत। अरे बाप रे, ये कौन है? तेरी तो चले यार सिंचन, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे क्यों मार रहे हो मुझे? अरे नहीं यार, ये क्या हुआ?
अरे दोस्तों, कोई छुट्टियां भी चैन से नहीं मनाने देता। ठीक है, बहुत हो गया, अब मैं अपनी सुपर पावर से एक्टिवेट करके इसकी बैंड बजाता हूँ। अभी बताता हूँ तुझे। अरे नहीं यार, स्पाइडरमैन भैया पागल हो गए हैं क्या? मैं कोई स्पाइडरमैन नहीं हूँ, समझा? मैं हूँ इविल स्पाइडरमैन और मैं तुझे अपनी टीम में भर्ती करने आया हूँ। या तो तू मुझसे लड़कर मरेगा या मेरे साथ चलेगा, समझा? अरे मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, मेरी कोई मन नहीं है, मुझे कोई घूमना शूमना नहीं है। मैं तुझे घुमाने ले जाने नहीं आया हूँ बच्चे, मेरे साथ चल, नहीं तो तू खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत हुआ, अब मैं आपकी बैंड बजाता हूँ। आपको क्या लगता है, शिनचैन नोहारा ऐसे ही नॉर्मल है? अरे नहीं, तेरे पास ये पावर्स कहाँ से आई? मैंने तो पहले कहा था शिनचैन नोहारा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, डरो से। मेरे पास कार्नेज भैया की पावर्स है अभी तक। चलो आपको बेहोश कर देता हूँ, जान से नहीं मारता हूँ। अरे नहीं छोड़ मुझे, अरे बाप रे यार कितना बुरा मार रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था शिनचैन नोहारा काफी पावरफुल है। ठीक है गाइस, मैंने इसको बेहोश कर दिया। हाँ मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये हमारे स्पाइडरमैन भैया इविल कब से बन गए? मेरे हिसाब से मुझे अवेंजर्स से जाके बात करनी होगी। हाँ चलो जल्दी चलते हैं, एक तो नए नए काम बढ़ जाते हैं शिनचैन नोहारा पर। जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है इस दुनिया में। इन्होंने मुझ पर अटैक क्यों किया? शिनचैन नोहारा दी सुपर हीरो आ रहा है, अवेंजर्स बच कर रहो इससे। हाँ शिनचैन बच्चे, तू नहीं बचेगा समझा, मैं बेहोश नहीं हुआ हूँ, तूने बस मुझे पैरालाइज कर दिया है कुछ टाइम के लिए। हाँ ठीक है पड़े रहो यहीं पर, नहीं तो मैं आपकी बैंड बजा दूंगा। चलो यहाँ से अब चल जाए जल्दी से, ये स्टाक मेंशन एक तो इतनी दूर है यार। अरे छोड़ो यहाँ से, गाली दो मुझे जल्दी से, मुझे यहाँ से निकलना है। आए बच्चा निकल यहाँ से। अरे नहीं मैंने तो उसकी गाड़ी छीन ली। चलो जल्दी चलते हैं। चलो मैं आ ही गया, एक मिनट में जाकर देखता हूँ यहाँ क्या चल रहा है। इतनी शांति कैसे है भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? जल्दी देखता हूँ जाकर। अरे बाप रे, यहाँ तो हल्क भैया, थॉर भैया, आयरन मैन भैया और ये तो अपने फ्रैंकलिन भैया, ये क्या कर रहे हैं फोन पर? अरे कुछ नहीं सुनचान बच्चे, बस मैं न्यूज़ देख रहा था। असल में मेरी बात सुनो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है आयरन मैन और हल्क की बेवकूफ़ी की वजह से। बेवकूफ़ी नहीं की, हमने कोई बेवकूफ़ी नहीं की, चुप करो तुम दोनों, समझे? तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। हाँ तो सिंचन, इन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से आयरन मैन के कुछ आयरन सूट्स हैं जो जागरूक हो गए हैं, जिसकी वजह से वो इंसानों को इस दुनिया से मिटाना चाहते हैं और वो मशीनों का राज लाना चाहते हैं। और इनकी कसम, हमें पहले ही तुम पे शक था आयरन मैन, तुम बहुत जल्दी मरोगे, हमेशा तुम प्रॉब्लम करते हो, तुमने एज ऑफ अल्ट्रॉन के समय भी यही किया था। अब चलो कितनी बार सुनाओगे यार, वो प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व भी कर दी थी, अब आगे बढ़ते हैं। वहाँ ओ अच्छा ये बात है, तभी स्पाइडरमैन भैया मुझ पर अटैक करने आए थे। एक मिनट, स्पाइडरमैन तो कोई मशीन नहीं है, वो मुझ तुम पर कैसे अटैक करने आ सकता है? मुझे लगता है वो स्पाइडरमैन है ही नहीं, वो कोई ना कोई मशीन होगी, वो भी मेरी जो कि ये। एक मिनट, ये कौन है? मैं हूं द गॉड हल्क बस्टर और मैं यहाँ पर तुम सब लोगों को बताने आया हूँ कि आगे से अगर मेरे काम में दखल अंदाजी की तो तुम सबको जान से मार दूंगा। फ्रैंकलिन तुम मेरे साथ चल रहे हो? अरे नहीं अवेंजर्स, क्या कर रहे हो, मुझे बचाओ शिनचैन बचाओ। अरे आप चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। अरे नहीं गाइस, ये मुझे कार है, बाप रे क्या कर रहा है ड्राइवर, मैं तेरा दोस्त हूँ फ्रैंकलिन, भूल गया क्या? ओए मैं हूँ जग जग्गू ड्राइवर और सबकी बैंड बजा दूंगा, जग्गू हग्गू ट्रेवर प्रेवर। ओए 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 ओए, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ फ्रैंकलिन, तूने काफी बार मुझे पंगे में डलवाया है। ओए ओए एक मिनट, तेल है इसमें? हाँ तेल है, चलो इसको खोलते हैं। ओए ओए चलो इसको लिटाते हैं और चलो इसके मुंह पे कपड़ा डालते हैं और तेरी बैंड बजाते हैं। अरे नहीं छोड़ दे प्लीज मुझे, नहीं 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 नहीं, अरे मेरा दम घुट जाएगा प्लीज, नहीं नहीं, अरे बाप रे क्या कर रहा है। ओए अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, ये देख मेरे पास कितना कमाल का डंडा है, ये डंडा भी नहीं है, ये है आरा मशीन का छोटा भैया, अब देख तेरी टांग कैसे तोड़ता हूँ मैं। ओए गलती से भाव पर लग गई, चलो अब टांग पर मारते हैं। नहीं छोड़ दे, अरे बाप रे यार कैसा टॉर्चर करवा रहे हो तुम, अरे हल्क बस्टर छोड़ो मुझे, तुम सब के सब इसी तरह से मरोगे अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो, समझे? अरे बाप रे यार, हमारे फ्रैंकलिन भैया को तो वो गॉड हल्क बस्टर ले गया, आयरन मैन भैया आपने उसको बचाया क्यों नहीं? अरे बच्चे मैं क्या करूं, मेरी सारी मशीन्स उसने हैक कर ली हैं, मेरे सूट ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, बस Mach 85 है, मुझे तो इसका डर है कि ये भी हैक ना हो जाए, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा नहीं तो हम बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे।